ये देखो यहाँ से देखा मैंने भाई, ये पेड़ देखो मतलब पूरा भर रखा है। ये देखो भाई पूरे मतलब भरे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं आ गए। यहाँ पे भैया लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो एक फ्रेश नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मतलब अगर आप हर्षिल वैली आ रहे हो तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। देखो काफी लोग होते हैं ना जिनको स्टे वगैरह की नॉलेज नहीं होती। मतलब हर्षिल वैली ना बहुत छोटी सी प्लेस है, मेन हर्षिल है ना जो, वो बहुत छोटी मार्केट है। बाकी आसपास वो अलग अलग गांव है तो लोगों को पता नहीं चलता कि मेन हर्षिल क्या है और क्या नहीं। तो जहाँ मैं रुका हूँ ना वो मेन हर्षिल है, बहुत छोटी सी मार्केट है एंड घर वगैरह भी है यहाँ आसपास। तो आज ना मैं आपको पूरे विलेज का टूर दूंगा, साथ साथ मार्केट का भी दूंगा। और जहाँ मैंने स्टे लिया है ना, मेरे को सबसे सस्ता स्टे यही मिला। पूरे बाजार में पता कर लिया था कल मैंने बारिश में भीगते भीगते, तो ये सबसे सस्ता पड़ा है मेरे को। तो मैं आपको इसके यहाँ के रूम्स वगैरह के बारे में बता दूंगा ताकि अगर आप आते हो तो आपको हेल्प हो जाए। और आपको ना नंबर भी दे दूंगा, कभी कांटेक्ट करना हो, प्री बुकिंग करनी हो तो घर बैठे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी फिलहाल चलते हैं एंड आपको ना ये प्यारा सा विलेज घुमाता हूँ। मतलब मैंने ना खुद नहीं घुमा, मेरे ना ये वॉशरूम है ना खिड़की है, तो मैं खिड़की में से देख रहा था तो मैंने देखा भाई सेब के पेड़ वॉशरूम की खिड़की में से व्यू आए। वही हाँ ये देखो यहाँ से देखा मैंने वो पीछे, वो वहां पे सेब के पेड़, वो पीछे आंटी उंटी है ना वहां पे। भाई मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा वॉशरूम में आ रहे खतरनाक नजारे भयंकर। और यहाँ पे नजारे कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत दिखता है साइड से। तो बाकी अभी चलते हैं फटाफट से और आपको भी दिखाते हैं। सो यहाँ पे आपको GMVN का भी स्टे मिल जाएगा जो कि इस साइड को है। तो इस साइड को ना कल मैंने स्टे ढूंढने नहीं दिए। तो अभी तो मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ एंड यहाँ पे ना किसी से बातचीत बनाते हैं ताकि हमें खेतों में जाने की परमिशन मिले। तो यहाँ पे ना सेब के पेड़ है, मतलब ये जो पेड़ देख रहे हो ये सेब लगे हुए हैं इनमें, बहुत छोटे छोटे। पास से दिखाता हूँ, देखो अब दिखे भाई ये तो कुछ नहीं। अंदर के जो पेड़ है ना वो लिटरली बहुत अलग है। एंड ये आप ब्यूटी देख रहे हो ना, इसके साथ साथ ये भी देखो, आप देख रहे हो भयंकर देख रहे हो भाई। ये हर जगह की रियलिटी है। मैं वीडियो में अगर दिखाने पर आ जाऊँ ना हर मोड़ पे गंदगी मिलती है। एंड ये तो भाई देखो हर्षिल है, ये मतलब इतनी खूबसूरत जगह की क्या कर रखा है भयंकर। भाई ये पेड़ देखो मतलब पूरा भर रखा है। ये हर्षिल का पोस्ट ऑफिस है, वाह पूरा मतलब पुराने जमाने से बन रखा है, बहुत साल पुराने घर हैं ये। भाई मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं किसके खेत में घुस सकता हूँ बातचीत करके, देखते हैं। अभी तो शायद मेरा प्लान बन रहा है मैं एक दिन और रुक सकता हूँ कल यहाँ पे, क्योंकि मैं लामा टॉप नहीं गया हूँ और मेरे पे अभी दिन भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं रुक जाऊँ, देखता हूँ अगर मेरा मन हुआ तो मैं रुक जाऊँगा, नहीं तो फिर चला जाऊँगा। तो फाइनली अभी एक भैया से बात करी है, उनके वहाँ जा रहे हैं तो लेट्स सी, वहाँ पे थोड़ी रील्स वगैरह शूट कर लेंगे सेब वगैरह की। अभी मैं हूँ एप्पल के ऑर्चिड्स में और ये पीछे देख रहे हो ना इन सब में एप्पल्स लगते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे से पेड़ है पर इतने सारे एप्पल्स लगते हैं इसमें से। देखो कितने तो गिर के सड़ जाते हैं ऑलमोस्ट, एंड किसी किसी में अभी भी लगा हुआ है एक एक दो दो एप्पल, जिसमें मतलब ऐसे ना अब इनका टाइम हो चुका है सीज़न। देखो जैसे ये लगा हुआ है, इनका भी सीज़न होता है तो एक टाइम पर आके ये उतार देते हैं। तो अब जो सारे उतर चुके हैं मतलब मोस्टली ना बहुत कम जगह के रह गए हैं। तो हर्षिल के भी सेब बहुत फेमस है, ये देखो भाई ये देख रहे हो ग्रीन एप्पल्स लगे हुए हैं। तो अगर हर्षिल आ रहे हो ना इस मंथ से पहले पहले आते तो आपको काफ़ी ज़्यादा एप्पल्स दिख जाते लगे हुए। तो लगे हुए भी हमने देखे जैसे कि आपको दिखाया था, बट जो ये है ना काफ़ी जगह पर उतर चुके हैं। तो अभी चलते हैं फिलहाल यहाँ से है ना आपको रूम्स के बारे में बता दिया। अरे मैं बात कर रहा था यहाँ के होम स्टेज की, तो ऑलमोस्ट ना मैंने सारी जगह ढूंढा था तो उस टाइम मुझे कोई नहीं मिल रहा था। बट आगे जाके गांव वगैरह भी है, काफ़ी ज़्यादा होम स्टेज है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा जहाँ मैं रुका था वहाँ रुक सकते हो। खुशी होम स्टे नाम है, नंबर यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। और अभी मैं आपको बाहर से भी दिखा दूंगा, तो आपको यहाँ पे भैया मिल जाएंगे जो भैया ऑनलाइन बुकिंग भी लेते हैं। तो फ़ोन करके पहले भी बुक कर सकते हो, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करके या जैसे भी,
फिर भी कर सकते हो जैसे भी करना चाहो। तो यहाँ पे आओगे अगर हर्षिल आते हो मेन मार्केट में शुरू में ही है होम स्टे तो सही रहेगा आपको, बाहर जाने के लिए भी ईजी है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी कॉल करके भैया से पूछ सकते हो। भैया नाम क्या आपका? दीपक। तो भैया का नाम दीपक है, कॉन्टैक्ट कर लेना और बता देना वीडियो में से नंबर मिला था, तो बाकी देख लेना जैसे भी सही लगे।